हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज हम बनाने जा रहे हैं फ़ोटो केक, ठीक है, जो कि 2 kg का रहेगा और ये बटर क्रीम केक है, मतलब कूल क्रीम नहीं है और फंडेंट का भी कुछ काम नहीं है इसमें, नॉर्मल क्रीम। तो ये वेनिला स्पंज है जो मैं ले रखा हूँ, ठीक है, और अंडा वाला एगलेस नहीं है। तो अगर इसका रेसिपी देखना चाहते हैं आप लोग तो वीडियो में बना करके डाला हूँ, सुनील केक मास्टर यूट्यूब चैनल, ठीक है, सुनील केक मास्टर लिख दीजिए यूट्यूब में और स्पंज लिख दीजिए, टॉप में वीडियो आ जाएगा तो वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसका हम बनाते हैं। नीचे इसका क्रीम लगाना पड़ता है क्योंकि ड्राई रहता ना केक तो गिरने का फिर प्रॉब्लम रहता है, ऐसे इसमें चिपक जाएगा बेस पे। तो चलिए इसको इसमें चिपका करके फिर आइसिंग करना पड़ेगा इसे भी और फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है। लेकिन स्पंज एक साइज पूरा कर लें, ठीक है, जैसे कहीं बड़ा छोटा हो तो वैसा नहीं रखिए। मेरा भी एक साइड में था थोड़ा ऊंचा, तो देखिए साइड में उसको हम कटिंग करके रख दिए ताकि एक बराबर रहेगा तो क्या क्रीम हमारा एक जैसा रहेगा। एक साइड में ऊंचा एक साइड में नीचे रहेगा तो होगा क्या, उसको लेवल करना पड़ेगा तो फिर क्रीम एक साइड ज़्यादा देना पड़ जाएगा और जिस साइड पर आपका ऊंचा उस टाइम पर कम होगा, तो ऐसा नहीं, आप लेयर ही पहले एक बराबर कर लीजिए। और ये बटर क्रीम है तो ये थोड़ा टाइट होता है आइसिंग, ठीक है, बहुत हिसाब से इसको आइसिंग करना पड़ता है, नहीं तो क्रीम आ जाता है वापस से, ठीक है, पट्टी में। जो बनाते होंगे उनको तो पता होगा और जो नहीं बनाए होंगे तो नहीं पता, हम लोग का तो बनता है यहाँ पे, बनाना पड़ता है ऑर्डर का सिर्फ। इसमें कोई लेयर वगैरह नहीं पड़ता है, जैसे अगर कोई कन्फ्यूज़ हो रहा है कि इसमें कुछ लेयर वगैरह नहीं डाले तो नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मल ड्राई केक रहता है, जैसे फ्रूट केक रहता है ना वैसे ही, स्पंज का ही डायरेक्ट जूस वगैरह, इसमें सिरप वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो साइड से इसका फिनिशिंग कर देंगे इससे स्क्रैपर से, ठीक है, और फिर ऊपर फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्रीम का एक साइज कर दीजिए सिर्फ बराबर, उतना में ही बस है क्योंकि ऊपर तो फोटो से पूरा कवर हो जाएगा, साइड का है तो साइड का सिर्फ देख लीजिए अच्छे से कर दीजिए और ऊपर आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिनिशिंग। तो इसका भी लगभग ये हमारा हो गया, ठीक है, फिनिशिंग का, अब इसमें फ़ोटो सेट करेंगे। लेकिन फ़ोटो सेट करने से पहले इसका कुछ कुछ डिज़ाइन होगा साइड का, वो कर लेंगे फिर लास्ट में फ़ोटो एड करेंगे, ठीक है। तो एक ग्रास नोजल है तो उससे ये वाइट और ब्लू इसमें क्रीम डाला हूँ, ठीक है, जिससे नीचे ब्लू रख के ऊपर से वाइट डाल दिया हूँ, ठीक, तो इसमें से हो गया। ऐसे ग्रास नोजल है इसका जो मैं मार रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो पूरा इसको कवर कर देते हैं नीचे से और ऊपर तो बड़ा नोजल का डिज़ाइन है तो वो भी आपको हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो ये नीचे का पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है, साइड का थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइन है वो भी कर लेते हैं, वो भी पूरा क्रीम से ही है, कौन कट करके कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं है। और बटर क्रीम का क्रीम रहता है तो उतना वाइट दिखता नहीं है ये, ठीक है, और इसका भी रेसिपी बहुत से लोग बोला है कि बटर क्रीम कैसे बनाते हैं वो भी आप हमें बताएं। तो देखता हूँ अगर नेक्स्ट टाइम का भी बनाऊँगा तो उसका भी मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा कि बटर क्रीम आप कैसे बनाते हैं और कहाँ से क्या होता है उसका सिस्टम, जो भी मैं पूरा आपको डिटेल्स बता करके और फिर वीडियोस डाल दूँगा कुछ दिन में। तो ये हो गया, अब इसके बीच में येलो का हम डॉट डॉट लगा देंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद में फ़ोटो इसमें डालना पड़ेगा और फोटो प्रिंट का जैसे बहुत से लोग जो बेकरी वाले होते हैं वो लोग खुद भी करते हैं, अगर जैसे आपको होगा ना बोल कहाँ पे मिलेगा तो मार्केट में पता करना पड़ेगा। ये देख लीजिए शुगर सीट रहता है ये फ़ोटो का जो, और ये वाला जो सीट में नीचे निकाला ना वो सीट हमारा यूज होता है जैसे कुछ चॉकलेट वगैरह बनाने तो उसी सीट से, डोमपट्टी जो हम लोग फिनिशिंग करते हैं केक उसी से, ठीक है। तो इसका एकदम आराम से इसको भी रख देना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक बार ही चिपकाएं सीधा चिपकाएं दोबारा निकालिएगा तो क्या टूटने का प्रॉब्लम रहता है, अगर टेढ़ा भी होगा तो फिर छोड़ देना वैसे ही, क्रीम पर डालने के बाद अगर निकालोगे तो फोटो टूट जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है शुगर सिरप का, एक एक मोटा भी रहता है एक एक पतला भी रहता है। तो चलिए इसका ऊपर का डिज़ाइन कर देते हैं, ये 1 mm नोजल है, ठीक है, इसमें भी ब्लू वाइट क्रीम डाला हूँ, अब बस राउंड राउंड इसको पूरा कवर कर देंगे।
देख सकते हैं ये हो गया। अब इधर से भी सेम वैसे ही। ये न्यूट्रल जेल है, ठीक है, ब्लैक कलर का, चॉकलेट वाला, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं उस साइड से भी, दोनों साइड से बड़ा छोटा करके, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसके बीच बीच में रेड जेल डाल देंगे, ठीक है, वो भी थोड़ा लुक अच्छा लगेगा देखने में, खाली खाली वैसे अच्छा रहेगा नहीं। तो बस ये हो गया फोटो किक का मेरा पूरा कंप्लीट डिज़ाइन, ठीक है, सिंपल सा डिज़ाइन था। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है, बताइएगा कैसा है।